वेलकम इन आरके शॉर्ट हैंड। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे शॉर्ट हैंड के बारे में। व्हाट इज शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड क्या होता है, यही जानेंगे आज डिटेल में। स्टेनो शॉर्ट हैंड, इसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ये भाषा सामान्य शब्दों को तेज़ गति से लिखने के लिए काम में ली जाती है। ज़्यादातर पत्रकार लोग इस भाषा का उपयोग करते हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड तेज़ गति से लिखने के लिए सबसे अच्छी है। शॉर्ट हैंड का उपयोग सरकारी दफ्तरों में भी होता है, इसीलिए शॉर्ट हैंड सीखने वाले लोगों को सरकारी नौकरी के लिए आशुलिपिक पद पर अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन पद पर बहुत कम लोग आवेदन करते हैं। शॉर्ट हैंड को हिंदी में आशुलिपि कहते हैं, जो कि तेज़ गति से लिखने के काम में ली जाती है। इंसान के बोलने तक की स्पीड को शॉर्ट हैंड के द्वारा तेज़ गति से लिखा जा सकता है। शॉर्ट हैंड, आशुलिपि और स्टेनो, ये तीनों एक ही चीज़ होती है और हम इसे अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। इसे लिखने वाले को हम स्टेनोग्राफर या आशुलिपिक कहते हैं। आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, जी हाँ, इसी तरह शॉर्ट हैंड लिखी जाती है। देखने में ये फ़ोटो बहुत ही अजीब लग रही है, इसे शॉर्ट हैंड कहा जाता है। लिखने की इस विधि को देखकर आप घबराए नहीं, ये एक तरह की कला है जो आप भी सीख सकते हैं। स्टेनोग्राफर कितने प्रकार के होते हैं? मराठी या हिंदी स्टेनोग्राफर, जो कि हिंदी या मराठी भाषा को तेज़ गति से स्टेनो में लिख सकते हैं। इंग्लिश स्टेनोग्राफर, जो कि इंग्लिश भाषा को तेज़ गति से स्टेनो में लिख सकते हैं, इन्हें स्टेनोग्राफर कहा जाता है। स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है? अगर आपके सामने वाला जो भी स्पीच या कोई डिक्टेशन दे रहा है, सामने वाला जिस गति से बोल रहा है उस गति से आप उसको लिखेंगे, ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। आपके सामने वाला कुछ लंबी लंबी लाइंस कहेगा, पर आप उसको कुछ ही ख़ास आउट लाइंस में स्टेनो में लिखेंगे, बाद में उसको वापस उन्हीं सभी शब्दों के साथ ट्रांसलेट करेंगे जिस भाषा में वो डिक्टेशन या स्पीच दी गई थी, पूरी डिटेल्स में। सरकारी नौकरी में शॉर्ट हैंड की ज़रूरत। मराठी या इंग्लिश किसी भी भाषा में शॉर्ट हैंड सीखने के बाद सरकारी नौकरी लगने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कंपटीशन कम होता है। राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर स्टेनोग्राफर की सरकारी पद बहुत निकलते हैं। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खुद इन क्षेत्रों में आवेदकों के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। राज्य स्तर पर न्यायालय में स्टेनोग्राफर के पद निकलते हैं, जो भाषाओं को तेज़ गति से लिखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरे क्षेत्रों में बहुत सारे स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं, और इसी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। स्टेनोग्राफी में आपको सबसे पहले स्टेनो और स्टेनो के साथ उसी भाषा की टाइपिंग भी सीखनी पड़ती है, तब जाकर आप किसी स्टेनोग्राफर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके लिए एक बात जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई हिंदी भाषा में स्टेनो सीख रहा है तो उसे हिंदी भाषा की टाइपिंग आनी ज़रूरी है, और कोई इंग्लिश भाषा की स्टेनो सीख रहा है तो उसे इंग्लिश भाषा की टाइपिंग आना ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड आशुलिपि कहाँ सीखे? सबसे पहले आपको स्टेनो सीखना पड़ेगा। आप अपने लोकल में स्टेनो सिखाने वाले इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो टाइपिंग सिखाते हैं, उन्हीं के पास स्टेनो भी सिखाई जाती है। हमारे YouTube चैनल RK SHORTHAND पर शॉर्ट हैंड रिलेटेड वीडियो ज़रूर अपलोड की जाएंगी। हम आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सिखाएंगे। हमारे इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज 1 से लेकर तो कंप्लीट बुक की एक्सरसाइज की सारी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, और साथ में हम आपको डिक्टेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। डिक्टेशंस हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सभी स्पीड में प्रोवाइड करेंगे,
और इसकी पीडीएफ फाइल भी हम साथ में आपको देंगे, जिसे आप बाद में चेक कर पाएंगे कि आपने जो डिक्टेशन लिया है, और साथ में आपको 60 वर्ड पर मिनट से लेकर तो 80, 100 और 120 वर्ड पर मिनट तक के डिक्टेशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हमारे सभी शॉर्ट हैंड रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल सके सबसे पहले।